तो पूरी भीड़ तरफ चली जाती है। लेकिन व्यक्ति पार्टी के प्रति ऐसा कर्तव्य आएगा कि नहीं, जो मेरा प्रत्याशी जिसको पार्टी ने कर दिया, मैंने टिकट जरूर मांगा था लेकिन पार्टी ने मुझे कर दिया, मुझे पार्टी के साथ पे रहना। ऐसे तमाम चेहरे इस प्रकार के यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं जो पार्षद के लिए सर्व उपयुक्त थे, योग्य थे, जो महापौर के लिए उपयुक्त थे, योग्य थे, उनकी योग्यता के आधार पर कहीं कमी रही इसलिए टिकट कर गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी की व्यवस्था होती भी कटारिया जी और पंकज जी अपने उद्बोधन में उस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि यहां पर कब किसका नंबर आ जाए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था जब मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा था कि मुझे समय समझ जाता मैं संगठन में जाऊंगा, लेकिन पार्टी ने तय कर दिया नहीं संगठन में नहीं, आप इधर जाओगे उधर जाना है। जिसको राम प्रकाश जी बैठे थे और पूछ रहे थे मुख्यमंत्री का नाम कौन सा होगा, कौन बनना मुख्यमंत्री, पता लगा के बताओ, तो हम लोग पता लगाने के लिए गए। हम लोग घर में बैठे चाय पी रहे थे, आदरणीय उनको मैं चाचा जी बोलता था, हम लोग उनके घर पे बैठे हुए थे उस समय और बात हो रही थी, बोले बड़ा गर्माहट है, जब पता करो कौन बन रहा है। हम लोग पता करने गए तब तक तो पता नहीं चला, और बाद में जब कार्यालय गए तो सुबह हुई कि माननीय राम प्रकाश जी का एड्रेस मांगा गया है, घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर क्या है वो प्रदेश केंद्र कार्यालय ने मांगा है। यानी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को इस समय नहीं तो अगले समय खोज कर उनको पकड़ कर लाती है, यही हमारी विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण बीजेपी को लोग बोलते हैं ना पार्टी के दूसरी डिफरेंट, दूसरी पार्टियों से अलग है। हमें आज कोई काम नहीं मिला तो कल मुझे काम मिलेगा, और हमारे नेता हमारे हमारे व्यक्तित्व को हमारे हमारे निस्वार्थ सेवा को पहचान रहे हैं, ऐसा मान के चलने वाली यही ये हमारी पार्टी है। हमने इस चीज को कहा क्योंकि मैं पिछले बार आपको शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, पिछले बार जब महापौर का चुनाव आने वाला था मैंने एक साल पहले आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी अध्यक्ष थे मैं उनके पास में गया और मैंने कहा मुझे आपने एक बार महापौर बना दिया, ये पार्टी की कृपा मुझ पर बरसी, अब मुझे अगला चुनाव किसी नए कार्यकर्ता को आपको देना होगा, और अगला चुनाव आपको किसी नए कार्यकर्ता को देना होगा। ये सोचा तो उन्होंने कहा कि कोई भी लड़ जाए, मैं आपके नाम को मैं अपनी बात तक नहीं करूंगा, अब अगले बार मैं कह रहा था किसी को कर दिया जाए। तमाम वरिष्ठ लोग थे, आदरणीय संयुक्ता जी को भी तमाम लोगों ने कहा कि आपको लड़ना है, और ये तय हो गया था कि मैं नहीं लड़ूंगा तो संयुक्ता जी का नंबर होगा, और संयुक्ता जी से मैंने अनुरोध किया कि आप बहन जी आप जो है अपना नामांकन कर दो, ये मैंने कहा ये नामांकन भी करिए। लेकिन पार्टी ने बाद में कहा कि नहीं नहीं आपको लड़ना है, तो संयुक्ता जी ने आके मुझे चुनाव लड़ा भी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला इतना बड़ा कांड हो या किसी से आज कहो कि नामांकन करके आओ तो कल कहेगा नामांकन वापस नहीं लेंगे, हमारी ये व्यवस्था नहीं है, ये दूसरे पार्टी में। अभी सिद्धार्थ अवस्थी जी बोल रहे थे, मैं समझता हूं मां से बड़ा कोई नहीं होता, और मां के साथ जिसने दूध पिलाकर पाला हो और बड़ा किया हो और उसके बाद अगर कोई साहस कर ले तो केवल और केवल बीजेपी का कार्यकर्ता हो सकता है जो अपने परिवार से बड़ा अपने अपनी पार्टी को मानता है और पार्टी को बड़ा मान के आए। ये प्रेरणा दूसरी पार्टियों में नहीं मिलती। जब चुनाव हो रहे थे भी बातें चल रहा था, मैंने वो समय भी देखा है, हमारी महिला पार्षद काम करते महिला पुरुष